वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज हम समझने वाले हैं शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, इसके अर्थ और परिभाषा आदि के बारे में हम जानने वाले हैं कि शिक्षण विधियाँ आखिर होती क्या हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियों पर भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा मुख्य इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक विधि या उसे अन्वेषण विधि या खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, प्रोजेक्ट को हम परियोजना या प्रायोजना या योजना विधि के नाम से भी जानते हैं, तथा समस्या समाधान विधि, इन सभी पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं शिक्षण विधियाँ, अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले अर्थ को समझेंगे, फिर परिभाषाओं को समझेंगे। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। इस प्रकार शिक्षण विधि अनेक क्रियाओं का एक क्या है, पुंज है। अनेक क्रियाओं का एक पुंज होता है हमारा शिक्षण विधि। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञानार्जन करते हैं, यानी कि ज्ञान को अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं ज्ञान का। अतः जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे ही टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि का महत्व किसी विषय के शिक्षण में वही महत्व है जो किसी निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए मार्ग का होता है। एक सैनिक को जिस प्रकार विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसे उन अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की विधियों से अवगत होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार शिक्षक को विषय वस्तु व पद्धति दोनों का ही ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनती हैं, उन परिभाषाओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है वो जॉन डीवी के अनुसार है। जॉन डीवी ने क्या कहा है, पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री का व्यवस्थित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। ये किसने कहा, ये जॉन डीवी के अनुसार कही गई परिभाषा है कि पद्धति वह तरीका या माध्यम होता है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री का व्यवस्थित करके उसके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। बाइनिंग ने क्या कहा है, बाइनिंग ने कहा है शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि शिक्षण विधि जो शिक्षा प्रक्रिया है उसका एक गतिशील कार्य है, और ये परिभाषा जो है बाइनिंग के अनुसार काफ़ी छोटी भी है। इसे आप सब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी अगर पूछता है शिक्षण विधियाँ, तो इसे आप याद रखेंगे तो लिख भी सकते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का एक गतिशील कार्य, ये बहुत ही छोटा परिभाषा है, इसे आप याद रख सकते हैं ईजिली। हम देखते हैं डॉक्टर सरोज सक्सेना के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, वास्तव में शिक्षण विधि विशेष सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम या उद्देश्य है जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। ये किसने कहा, ये सरोज सक्सेना, डॉक्टर सरोज सक्सेना के अनुसार दी गई परिभाषा है कि शिक्षण विधि विशेष सामग्री को छात्रों तक पहुँचाने का एक जरिया या माध्यम या उद्देश्य है जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। ओके, अब देखते हैं कुछ प्रमुख जो शिक्षण विधियां हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है वह है परियोजना या प्रोजेक्ट मेथड, इसे प्रायोजना या योजना विधि के नाम से भी जानते हैं। जॉन डीवी के शिष्य विलियम किलपैट्रिक को इनका प्रतिपादक या जनक माना जाता है। अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि, इसके जो जन्मदाता है आर्मस्ट्रांग को माना जाता है, इसको अन्वेषण या खोज विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रयोगात्मक विधि, फिर प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन निगमन विधि, तर्क या वार्तालाप विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा निरीक्षण एवं अध्ययन विधि, ठीक है। अब इन सारे जो विधियाँ हैं हमारी, ये सारी विधियों पर आपको चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, मिल जाएगी, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार से उसे जाकर अवश्य देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। जैसे कि व्याख्यान विधि पर अलग वीडियो आपको मिल जाएगी, समस्या समाधान पर अलग, परियोजना विधि को भी समझाया हुआ है, इन सभी पर हमने चर्चा ऑलरेडी कर लिया है, आप एक बार से उसे अवश्य चेक कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो हमारी ये जो चारों इम्पॉर्टेंट विधियाँ हमारी, व्याख्यान, परियोजना योजना विधि, अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी ये सारी विधियाँ हैं, ठीक है, तो इन पर भी एक साथ एक वीडियो कल आने वाली है, उसको भी आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पर होगी, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य कर देंगे। ओके, थैंक यू।